गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दिल्ली से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहाँ पर एक बिजनेसमैन कबूतरों को दाना डाल रहा था, पर वो दाना डालना उसको महंगा पड़ गया। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। और अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आपका क्या विचार है दिल्ली के बारे में, प्लीज जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की न्यूज। दिल्ली के रोहतक रोड से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहाँ पर एक्चुअली श्याम नाम का एक बिजनेसमैन वहां से निकल रहा था और निकलते वक्त उसने देखा कि काफी सारे वहां पर कबूतर हैं और कबूतरों को वो दाना डालने के लिए निकला और अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा उसने बंद कर दिया था, जैसे कि हर कोई शख्स करता है। और दिल्ली तो काफी ज्यादा मतलब कि दिल वालों की मानी जाती है और वहां पर चोरियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप वहां पर गए हैं या आप वहां पर रहते हैं तो आप लोगों को उसके बारे में बखूबी पता होगा कि दिल्ली में हाथ सफाई करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। पर उसी के साथ जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और वहां पर जाके जब कबूतरों को दाना डाल रहा था शाम, तब उस दौरान वो कबूतरों को दाना डाल के जब अपनी गाड़ी के पास वापस आया तब वो काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और उसकी जो सीट पे एक बैग पड़ा था वो गायब था और उस बैग में 10 लाख रुपए थे। हम आपको बता दें कि शाम एक बिजनेसमैन है, वो एक मतलब कि जूतों का होलसेल का एक काम करता है, जिससे वो उसने बताया कि ये 10 लाख रुपए वो अपने घर से लेके निकला था। वो इस एक और आदमी को वो पैसे देने वाला था और अपने पार्टनर को पैसे देने वाला था, जिसके कारण अभी बीच में कोई चोर उठा के ले गया। और रोहतक और दिल्ली की जो पुलिस है उनके बीच में काफी ज्यादा झपट हुई, क्योंकि वो जो रोड है वो 2 पुलिस स्टेशन के बीच में आता है और उन दोनों ने ये सब चीज बात की, पर एक पुलिस स्टेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया और अभी उस चोर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पर वहां पर अगर वो दाना डालने नहीं जाते तो शायद उनका 10 लाख रुपए नहीं जाता, पर वहां पर वो दाना डालने गए तो इसलिए उनका 10 लाख रुपए चला गया और चोरों ने वो उनके गाड़ी भी तोड़ दी और गाड़ी भी तोड़ के वहां से ले गए सामान। तो गाइज ये सब चीजें तो इसीलिए हुई क्योंकि वो दाना डालने के लिए गए थे। तो आपको क्या लगता है कि कबूतरों को दाना डालना उनको महंगा पड़ा है या नहीं पड़ा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।